प्रतिबल बॉडी है, मान लिया सपोज करिए हमारे पास इस बॉडी की ये इनिशियल पोजिशन है, मतलब शुरुआत में वो इस तरह से है। अब आप इसमें लेंथ चेंज करना चाहो या इसमें कैसे आप फोर्स लगाना चाहते हो इसको, मान लिया इसका हमें वॉल्यूम चेंज करना है, इसको आप पकड़ के जैसे रुई है उसको दबाने लगे आप इस तरह से, या फिर एक वायर है उसे पकड़ के खींचने लगे, ठीक है ना, या फिर एक किताब रखिए और किताब रखिए आपके पास, जैसे ये किताब हो गई एक, है ना, मोटी सी किताब है एक, और आप इस किताब के ऊपर ऐसे फोर्स लगाने लगे बिल्कुल जैसे बहुत मोटी किताब होती है उसके ऊपर ऐसे स्पर्श रेखीय फोर्स लगाओ इसके ऊपर, तो पता लगा बुक जो है वो जो सीधी सीधी बुक ऐसे रखी थी वो पता लगा इस तरह से टेढ़ी हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगाते हैं उस हिसाब से हमारे पास कई तरीके होते हैं कि बॉडी को हम इनिशियल पोजिशन से सपोज करो हम एक फाइनल पोजिशन में ले आते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसे हमने चेंज करा। कुछ भी तरीके हैं, तीन टाइप के तरीके होते हैं, वो बाद में हम देखेंगे, अभी हम इन जनरल नहीं बोलना चाह रहे हैं उस चीज़ को। तो अगर मान लिया सपोज करिए कोई बॉडी है और उसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के लिए हमने कोई फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसकी पोजिशन चेंज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर अब मैंने बताया अभी जैसे ही आप कुछ लेंथ में या किसी चीज़ में चेंज करोगे तुरंत वापस जाने के लिए फोर्स तैयार हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, हम उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो ये जो प्रत्यानयन बल लगता है इसे अगर पर यूनिट एरिया पे नाप लें, समझ रहे हैं, तो ये चीज कहलाती है आपकी प्रतिबल, पर यूनिट अपॉन एरिया, ये आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। अब कोई अगर किससे कहे कि यूनिट बताओ तो यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो इसकी यूनिट, या फिर न्यूटन मीटर माइनस टू, कोई डायमेंशन कहे तो डायमेंशन निकाल सकते हो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो चलती रहेंगी, ठीक है ना। अब बात आती है प्रतिबल जो है स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, तो प्रतिबल स्ट्रेस जो है वो देखिए तीन टाइप का होता है। पहला ही इसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसमें क्या होता है हमेशा ध्यान रखिए अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ के अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा जो है टाइप मैंने बताया अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल क्या होता है इसमें, जैसे मान लिया सपोज करिए हमारे पास जैसे रुई है और रुई के ऊपर आपने नॉर्मली चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाने लगे, तो ये आपका इससे जो जनरेट होगा, अब ये जैसे दबेगा, दबने पे फिर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा बाहर की तरफ आने के लिए, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नापोगे तो आपका क्या बनेगा अभिलंब प्रतिबल, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस इसे कहते हैं। और तीसरा टाइप जो होता है इसका वो होता है अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल, डिफॉर्मिंग, डिफॉर्म कर रहे हैं बॉडी को। तो अपरूपक प्रतिबल जो होता है वो आपका जैसे बुक के ऊपर फोर्स लगाने वाला बताया ना, बुक के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो बुक टेढ़ी हो जाएगी, उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ना दबेगी ना फैलेगी, बस उसका शेप बदलेगा, और जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो वापस आने की थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करेगी। पुरानी बुक तो जैसे है, पुरानी अगर बुक हो चुकी है तब तो वो बिल्कुल एकदम ढह जाएगी उसी तरह, लेकिन अगर नई बुक है तो थोड़ा सा आप यूं मोड़ो और उसका छोड़ोगे तो वापस थोड़ी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है अपरूपक प्रतिबल होता है, ये क्या होता है जैसे मान लिया सपोज करिए हमारे पास ये क्यूब है एक, और इस क्यूब के ऊपर हमने ये फोर्स लगा दिया, तो इसमें जो पर यूनिट एरिया जो है फोर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो हमारा कहलाएगा अपरूपक प्रतिबल। विकृति चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन या इनिशियल डायमेंशन, ठीक है ना, प्रारंभिक जो स्थिति थी और जितना आपने चेंज किया उसका अगर अनुपात ले लें, उसका रेशियो ले लें, तो वो हमारा जो है वो विकृति बनता है, स्ट्रेन बनता है। पहला, दूसरा, तीसरा, इस केस में इसको हम कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, देखिए नाम लिखा है पहला टाइप। तो आप देखिएगा अगर मैंने अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया इस कंडीशन में तो आपको अनुदैर्ध्य विकृति मिलेगी, कैसे मिलेगी, और जितने चेंज लेंथ में हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इससे आपको वो पहला वाला टाइप मिल जाएगा, उसका उससे रिलेशन है, ठीक है ना, इसका इसके पुराने वाले प्रतिबल से रिलेशन है। दूसरा टाइप जो हमने पढ़ा था प्रतिबल का, अभिलंब प्रतिबल, आप ऐसे समझो रुई का गोला है उसे दबा दिया आपने, ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम जब चेंज होगा तो यानी कि आपका डेल्टा वी अपॉन कैपिटल वी कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं अब आयतन विकृति। तो इसमें जो है अपरूपण विकृति आती है। हुक का नियम, देखिए हुक ने क्या बताया था कि अगर बॉडी में चेंजेस किए जाएं और चेंजेस ऐसे हों कि बॉडी की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से बाहर ना निकले, ये देखिए चीज इसकी जरूरत पड़ी है जा करके, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर,
मतलब ऐसा ना हो, अक्सर लोग इस लाइन को लिखना भूल जाते हैं, तो जो प्रतिबल होता है, ठीक है ना, प्रतिबल जो है और विकृति होते हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है। अगर हम इक्वल टू कर दें तो प्रतिबल इज इक्वल टू ई इंटू विकृति, तो यहां से ई इज इक्वल टू बन जाता है प्रतिबल बटे विकृति। ये जो कांस्टेंट जनरेट होता है यहाँ पे, ये जो नियतांक है, इसे कहते हैं हम कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे प्रत्यास्थता गुणांक।